ये हथेली ऐसी क्यों है? साधुओं की तरह हट कर रहा था वो। मैं हथेली में ना गेहूं उगा रहा था पर मिट्टी सूख गई। तो मिट्टी सूखने तक हथेली में मिट्टी को धरे रहे? वो साधु कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ऐसा गहरा संकल्प है नरेंद्र, तो तू कुछ भी कर सकता है। पर इसे हठ योग नहीं संकल्प योग कहा जाता है वास्तव में। मतलब? जिन्हें परमात्मा में भरोसा नहीं होता, साधु महात्मा संकल्प करते हैं। हट अहंकार के कारण तय होता है और संकल्प विश्वास के कारण। हट से अहंकार बढ़ता है और संकल्प के कारण आत्मा बढ़ती है। हट बहुत जल्दी टूट जाता है और ना टूटे तो पागल बना देता है, जैसे कि हिटलर। परंतु संकल्प जीवन भर टिकता है, वो आपके जीवन को पूर्ण करता है। महात्मा गांधी जी को जोहान्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, तब उन्होंने संकल्प ले लिया, गुलामी को मिटाऊंगा जहां भी दिखे। और उनकी प्रेरणा से न केवल भारत को आजादी मिली, बल्कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार लड़ाई लड़कर वहां पर अपनी आजादी हासिल की। अमेरिका में काले लोगों के हक के लिए मार्टिन ल्यूथर किंग नाम का आदमी गांधी जी से प्रेरणा लेकर लड़ रहा है। तो बात क्या समझ में आती है नरेंद्र? नरेंद्र, जीवन में हट नहीं संकल्प को महत्व दो।